ये देखिए भाई क्लासिक 200cc जबरदस्त 2024 मॉडल 2024 मॉडल है और बहुत ही खूबसूरत। ये 110cc है क्लासिक। और ये आ गया 150cc। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर हम आपको पटेल पाड़ा मार्केट लेके आए हैं और लोडिंग रशर का ज़बरदस्त नाम क्लासिक, उसकी आपका हम रिव्यू करवाएंगे। आपको 200cc, 150cc और 110cc, ये तीनों हम आपको दिखाएंगे और इंशाल्लाह इसके रेट ही बहुत ही ज़बरदस्त मुनासिब होंगे, चिपस्ट होंगे, उसके अलावा किस्तों पर भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वो रक्षे, इतने खूबसूरत और प्यारे हैं, यकीन करें आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ तशरीफ लाएंगे। ये भाई रक्षे की दुनिया का नाम ज़बरदस्त शॉप है न्यू एशिया। और ये एड्रेस लिखा हुआ है इनका, MS पलिस साहब है और इनके अंदर इनका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है और ये एड्रेस है। ज़बरदस्त, ये आ गया भाई क्लासिक 200cc, बहुत ही खूबसूरत रक्षा, ज़बरदस्त जदीद सिस्टम के साथ 2024 मॉडल। क्लासिक फंक्शन के बारे में आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया साहब, तो मुझे बताइए क्लासिक 200cc की खूबियां, और हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि भाई जो 2024 मॉडल है इसके अंदर क्या नई खूबियां हैं। देखिए इसके अंदर जो है ना जी खूबियां, इसके अंदर पावर गेयर लगा हुआ है। पावर गेयर लगा हुआ, ठीक है, ओके हो गया। ये 4x4 का काम करता है, ठीक है। इसमें वाटर कूल्ड इंजन लगा हुआ है, वाटर कूल्ड इंजन है, ठंडा रखता है। अच्छा जी, वाटर कूल्ड इंजन है भाई, देख ले, इंजन को ठंडा रखता है, ज़बरदस्त है, ठीक है। और वजन उठाने की कैपेसिटी इसकी सुजुकी से ज़्यादा है। अच्छा, मतलब कितना तक वजन उठा सकता है? तकरीबन 2000 kg तक वजन उठा सकता है। 2000 kg तक उठा सकता है, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके पेट्रोल की एवरेज कैसी है? इसकी पेट्रोल की एवरेज सर ये बाहर इसके अगर आप लोडिंग के निकालते हैं तो 1 लीटर में तकरीबन 30-35 किलोमीटर देती है। यार मुझे एक बात बताएं, जिस तरह सुजुकी पिकअप और लोडर गाड़ी है उसमें तो लिखा होता है 600 kg तक, इससे ऊपर मतलब ये उठा, लेकिन वो आपने देखा होगा कैसी लोड होती है। तो मैं ही हैरान हो रहा हूँ कि आपने एक चीज़ बताई, सुजुकी सिस्टम कम से कम 18-20 लाख रुपये चल रही है, ठीक है। तो मैं तो हैरान हूँ कि इतना आप बता रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा ये लोड उठा रही है और उससे भी कम पैसों में, तो ज़बरदस्त। ये तो बहुत ज़बरदस्त है मॉडल जो है, बहुत ही अच्छी खूबियों के साथ है। नाज़रीन आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत शेप में है, ज़बरदस्त। अच्छा ये आ जाए, अब आ गए 110cc के ऊपर। नारी आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही खूबसूरत शेप आया 2024 मॉडल का 110cc, बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ डाला भी बहुत ही खूबसूरत चौड़ा है और लंबा, मतलब ये कि बहुत वाइडनेस है। और ये नहीं, इसके अंदर भी कम से कम ये है कि आज़ाद है 1500 kg गुंजाइश बनती है। चलिए इसके बारे में मालूम कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये 110cc है तो इसके बारे में बताइएगा कि थोड़ी हमारे नाज़रीन की मालूम दीजिए। छोटे जो लोड में काम करने वाले लोग होते हैं ये उनके लिए 110cc। अच्छा, छोटे रुपए काम करने वाले, काम करने वाले, ठीक है। तकरीबन 1000 kg तक जो है ना वजन उठाती है, ज़बरदस्त। यानी एक सुजुकी पिकअप के बगैर लोड उठा लेती है, 800 से लेकर 1000 kg तक वजन उठाती है आराम से। ये सलब भी है इसमें और किक भी है इसके अंदर, ज़बरदस्त। और इसका जो डाला है वो बड़ा लगा हुआ है, 150cc वाला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये डाला ही
ये 150 कितने सीसी वाला बताया आपने? 150 सीसी का डाला ये। लंबाई 6 फीट और चौड़ाई 6.5 फीट और चौड़ाई 4.5 फीट है। नाज़रीन आप देख सकते हैं छोटे रूट के लिए बहुत ही बेस्ट गाड़ी है, 800 से 1000 kg आराम से लेके जा सकती है भाई। और पेट्रोल लेवल बताइएगा इसका जरा। इसका पेट्रोल लेवल बगैर लोडिंग के तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर। ज़बरदस्त यार। और ये आ गए नाज़रीन हम स्पीड के 110 cc 150 cc, ये 150 cc है, बहुत ही खूबसूरत मॉडल, बहुत ही खूबसूरत लुक है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त। और बहुत ही खूबसूरत। अच्छा मुझे इसके बारे में बताइएगा, ये 150 cc जो है सर, ये 150 cc है, ये कट बॉडी कहलाती है, इसमें डंपर आता है, कट आता है। अच्छा कट बॉडी कहलाती है, कट कहलाती है, ठीक है, सही है। इसमें भी पावर गियर लगा हुआ है। अच्छा इसमें पावर गियर लगा हुआ, ठीक है, ओके। 1500 kg तक वजन उठा सकती है विवस, ये 1500 kg तक वजन आराम से उठा सकती है, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे। इंजन ही बहुत ही खूबसूरत और जदीद किस्म का इंजन लगाया गया है, हाई क्वालिटी का इंजन, ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा, ज़बरदस्त। अच्छा ये मुझे बताएं इसका पेट्रोल एवरेज? पेट्रोल एवरेज सेम थिंग वही है, 35-40, ज़बरदस्त। विवस आप देख सकते हैं बगैर लोडिंग के, और लोडिंग के साथ तो कितना हो? लोडिंग में असल में अभी पता नहीं चलता है। अच्छा मतलब लोड के ऊपर होता है, चलती है। अच्छा अच्छा चलिए आप देख सकते हैं स्पीड क्या, मैंने आपको तीनों मॉडल दिखा दिए, 150 cc और ये आ गया 110 cc, बहुत ही खूबसूरत लुक के अंदर। और ये आ गया जम्बो साइज 200 cc, 200 cc जो 1500 से 2000 लोड आराम से उठा सकती है भाई, और ज़बरदस्त इंजन के साथ, बहुत ही खूबसूरत, ज़बरदस्त भाई। चलिए नाज़रीन जी आपको मैंने व्यू दिखाते हैं, हम आप इनके मालिक से मिलते हैं और इसके कैश प्राइस और इसके इंस्टॉलमेंट के बारे में और इसकी क्या शरायत है उसके बारे में डिटेल से मालूम करते हैं। तो चलिए इनके मालिक से मिलते हैं और लेते हैं इसकी डिटेल्स। चलिए इनके मालिक से मिलते हैं, ये इनका ऑफिस है और बहुत ही खुश है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला अस्सलातु वस्सलाम अलैहि रसूलुल्लाह, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसी तबीयत जनाब आपकी? सर क्या नाम है आपका? एम एस मलिक सर। सर मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ, ये जो क्लासिक का मैंने रिव्यू किया है जो लोडर रिक्शा आपके पास 110 cc, 150 cc और 200 cc, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, 2024 के मॉडल बहुत ही अच्छे हैं, खूबसूरत है। तो मैं आप इसकी डिटेल लेना चाहता हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स जान सकें इनके रेट प्राइस क्या है, अगर किस्तों पर आप देंगे तो आप कितने कम से कम किस्तों पर दे सकते हैं और शायद क्या है, तो प्लीज़ ज़रा अपना तारुफ करा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एम एस मलिक बात कर रहा हूँ, मलिक मोटर से। ठीक है सर। और मैं ये स्टेट फील्ड में 25 साल से हूँ। ठीक है। और कराची में यानी ये 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ है लोडर। ठीक है जी जी। और उसके बाद जो है मैं 2016 से इसका काम कर रहा हूँ, और सबसे पहले कराची में आने वाली गाड़ी जो थी वो क्लासिक थी। क्लासिक ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट गाड़ी थी, और आज भी उसका नाम है, और हमने इसमें बहुत काम किया, और इनके ओनर भी बहुत अच्छे हैं और लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल बनाते रहते हैं। ठीक। चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। ठीक। अभी इन्होंने स्कूटी भी लॉन्च करने वाले हैं और 2024 के नए मॉडल भी लॉन्च करने वाले हैं, स्कूटी में भी और लोडरों में भी। अच्छा एक प्रोग्राम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला। क्लासिक गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी है, जिसका इंजन के पार्ट्स भी अवेलेबल हैं, हर जगह आपको मिल जाएंगे, और दूसरा ये कि इसकी रीसेल वैल्यू भी है। ठीक है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कस्टमर जो है ना हमारी अवेलेबल तरजीह है जी। कस्टमर को हम, क्योंकि हमारा काम लीजिंग का भी है, तो इस वजह से हम जो है ना कस्टमर को वो ब्रांड पे रेकमेंड करते हैं ताकि वो कमाएगा, उसका चूल्हा जलेगा तो वो मामला चला पाएगा अपने। बिल्कुल ज़बरदस्त। और इस तरह
क्लासिक में बहुत सारे मॉडल अभी भी मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहला मॉडल उसका 100cc है, उसके बाद 110 है जिसमें सेल्फ स्टार्ट, और उसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक सिंगल डाला है एक डबल डाला है उसका बॉडी। ठीक है ठीक। इसके बाद उनका 150cc है, और 150cc में दो तीन मॉडल हैं, दो तीन कलर हैं, ब्यूटीफुल कलर हैं जो कि किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया अभी तक। बिल्कुल। उसके बाद उनका 200cc है जो सिंगल टायर में भी है, डबल टायर में भी है, हाइड्रोलिक भी है, और आपके सामने हर चीज़ यहाँ मौजूद है। बिल्कुल। ये और क्लासिक को हम रेकमेंड इसलिए करते हैं, इसमें कंप्लेन लेस गाड़ी है। ठीक है, कोई शिकायत नहीं आती। और कोई शिकायत नहीं है। जो कस्टमर हमसे लीजिंग का काम कर रहा है वो भी खुश है और हम भी खुश है उससे, क्योंकि वो टाइम पे अपने किस्से ला के देता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि 200cc है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जी जी। तो 200cc की आप क्या पहले कैश प्राइस बता दें कि कितने की पड़ेगी? असल वाला 200cc में तीन चार ब्रांड हैं। ठीक है। जो कि उनकी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ भी हैं और हाफ इम्पोर्टेड भी हैं। जी जी। उनमें 490,000 से लेके 470,000 तक, 570,000 तक उनकी गाड़ियाँ हैं। ठीक है। ये 200 का, ये 200 में कैटेगरीज है। अच्छा ठीक है, ओके। उसके बाद इसमें इससे और अबव जाना चाहें, हाइड्रोलिक में है 6.5 लाख रुपए की। ठीक है। इसमें 250cc हाइड्रोलिक में डबल टायर हाइड्रोलिक, और इसमें जो है वो आपको गाड़ी 7.5 लाख रुपए की पड़ेगी, जो कि डंपर का काम करती है। अच्छा, अच्छा जो मैंने अभी रिव्यू दिखाया जिसका 200cc का, तो आपने कैश कितना बताया, कैश प्राइस क्या है इसके? कैश में उनके 200 जो भी मौजूदा मैंने दिखाया जी, 200cc जो है जी जी, वो 4,90,000 से लेके जी जी 5,70,000 तक की गाड़ियाँ मौजूद हैं। ठीक है। इनमें जम्बू भी है, सिंगल टायर भी है, डबल टायर भी है, और क्योंकि इनके ब्रांड जो है ना 10 से 12 वराइटीज है, ब्रांड है। ठीक है। 100 से लेके 250 तक। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 4,70,000 से लेके 4,70,000 से लेके 5,70,000 तक है, तो ये जो है 5,70,000 तक। तो अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे लेगा तो उसको कितने की पड़ जाएगी? ये जो है हम 2,00,000 एडवांस लेते हैं। ठीक है। डाउन पेमेंट 2,00,000 रुपये होती है। ठीक है। उसके बाद उसको 20 से 25,000 रुपया जो है ना वो पर मंथ हमें देता है। अच्छा, मतलब 20,000 से कम नहीं हो सकते हैं, मैक्सिमम 20,000। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मैक्सिमम 20,000 रुपये होते हैं, फिर लॉन्ग टाइम किस्त होती है, उसके नफे नुकसान के साथ हम उसके साथ मौजूद हैं। ठीक है। उसके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है। और पेपर वगैरह कुछ देते हैं स्टार्टिंग में इनको? हाँ हाँ बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन के साथ हम उसको गाड़ी देते हैं। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करा के देते हैं, उसके साथ एक एफिडेविट बनता है। ठीक। बाकी कस्टमर लोग अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो हमें गलत गाइड करते हैं या रिफ्यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपने बताया कि 18,000 रुपए यानी 20,000 रुपए, सॉरी किस्त, इससे कम अगर कोई विवश करता हो जो ना दे सके 20,000 रुपए, तो आप कम कॉपरेट करते हैं? कॉपरेट करते हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं विवश देख लें। बहुत अच्छी खबर है कि अगर 20,000 आप ना दे सकते हो, आप बोले कि नहीं कम, तो आप यहाँ तशरीफ लाएं, 15,000 रुपए भी दे सकते हैं, 15,000 तक भी कर देंगे, बहुत जबरदस्त। असल बात ये हमारा एक अपना कस्टमर है, 25 साल से हम ये काम कर रहे हैं, वो कस्टमर हमें समझते हैं, हम उसको समझते हैं। ठीक है। और अल्लाह ताला का फजल है, हम ना कोई हमारा कस्टमर खराब है, ना कोई गाड़ी खराब है, और क्लासिक नाम ही काफी है माशाल्लाह। अच्छा, ये तो हमने 200cc का बता दिया, आप 150cc का बता दीजिएगा। 150 का 1.5 लाख रुपए एडवांस है। ठीक है। मैक्सिमम उसकी भी 15-20,000 रुपए किस्त बनती है। 15,000 तो मतलब किस्त बन जाएगी इसकी? हाँ, क्यों नहीं। और नगद कितने पड़ेगी वो? वो अगर नगद होगी उसमें 150cc में सिंगल टायर, 150cc में तीन ब्रांड है जी जी, जो नगद में एक 4,50,000 की है। ठीक है। 4,40,000 की है, 4,30,000 की है। ठीक है। और ये वाहद कंपनी है जो 150 में भी वाटर बोल बनाती है। वाटर बोल, जबरदस्त। वाटर बोल, ये वाहद कंपनी ऐसी है जो 150 में भी वाटर बोल बनाती है। वाटर गोल्ड, वाटर कूल इंजन, वाटर कूल इंजन। अच्छा, वाटर कूल इंजन कहलाता है जो गाड़ियों में जो मैकेनिज्म होता है सेम उसी तरह का? जी, सेम रेडिएटर के साथ। जी जी। ये वाटर वाहद कंपनी है जो इसको रेकमेंड करती है। अच्छा, यानी 4,30,000 से लेके 4,70,000 तक कैश में जी, जी। और इंस्टॉलमेंट आपने कितनी बताई अपने? 15 से 20,000 का। ठीक है। और 1.5 लाख रुपए एडवांस जी। अच्छा, कितने हिस्सा है, किस कितने साल तक होती है? असल बात टाइम पीरियड का जो इशू है ना जी जी, कुछ लोग शॉर्ट टाइम पे लेते हैं, 6 मंथ पे हमारा शेड्यूल होता है, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ और 15 मंथ एंड 20 मंथ।
सही है, इसमें वो पेबल होता है ठीक, ताकि ऐसा है कि वो इसमें अपनी रकम पूरी उतार सके ठीक, और अपनी गाड़ी का मालिक बन सके ठीक है, समझ गया। हम जो रजिस्टर्ड गाड़ी है जी, वो भी अपने बाहर के नाम करते हैं ठीक, इसलिए ताकि आइंदा उसको परेशानी ना हो। अच्छा, ये आप जब आप ये इंस्टॉलमेंट पे देते हैं तो ये नहीं कुछ ना कुछ कागज के भी हाथ में देते हैं कि भाई वो एफिडेविट होता है ठीक है, दो विटनेस होती हैं, एक उनका जमानती होता है। वो तो वो जो शरायत है ना उसकी किस्तों की, जैसे अगर मैं मिसाल के तौर मैं आता हूँ आपसे लेने की गाड़ी किस्तों पर, तो जब मैं आपसे किस्त तय हो जाएगी और मैं आपको एडवांस दे के लेके जाऊंगा तो आप मेरे को क्या प्रूफ देंगे? हम अपना डीसी लेटर देते हैं, डीसी लेटर देंगे ना, मैं यही कह रहा हूँ डीसी लेटर होगा देते हैं ठीक है, डीसी होती है ठीक है, जिसपे 45 डेज जो है आपकी गाड़ी रोड पे चल सकती है, चल सकती है। हम विदिन वीक उनको रजिस्टर्ड नंबर दे देते हैं ठीक है, ताकि उसके लिए रोड पे परेशानी ना हो, परेशानी ना। अच्छा, ये तो और 110 सीसी का बताएगा, ये कैश कितने हैं, कैश में कितनी पड़ेगी? 110 में 3,30,000 की भी है ठीक है, 3,50,000 की भी है और 3,70,000 की भी है ठीक है। तो ये इंस्टॉलमेंट में कितनी पड़ जाएगी? ये भी 15,000-20,000 रुपए इंस्टॉलमेंट, 15,000 रुपए। और इसके एडवांस कितना हो जाएगा कम से कम? वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है, पार्टी कम से कम 1,00,000 रुपए होता है, 1,00,000 रुपए एडवांस हो। विवस अब मैं आपकी मालूमात में शेयर मतलब इजाफा करते चलूं कि जब आप किस्तों पर लेने गाड़ी आते हैं तो जब आप एडवांस के ऊपर सारी बात होती है, अगर एडवांस आप ज्यादा देंगे ना तो आपकी किस्तें भी जो है एक तो कम हो जाएंगी, दूसरे के वो शॉर्ट टर्म हो जाएंगी, यानी वो 6 महीने में खत्म हो सकती है, 9 महीने में खत्म हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो 2 साल चले। और अगर आप कम किस्त करवाएंगे और एडवांस कम देंगे तो 20 महीने तक चली जाएगी, मगर किस्त वो बढ़ जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड से कीमत में इजाफा हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी मालूमाती है अपनी, माशाल्लाह। नुकसान के साथ देते हैं, ऐसा नहीं है कि गाड़ी चोरी हो जाए या छिन जाए या जल जाए तो उसके ऊपर कस्टमर के ऊपर बहुत बंडल हो, नहीं, शरी तरीका ये है, नफा नुकसान के साथ हम देते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, देख लें कि जी आपके साथ ही नफे नुकसान दोनों में शरीक हैं, अल्लाह ना करे कि जल जाए या एक्सीडेंट हो जाए या छिन जाए तो उसके अंदर भी आपसे भरपूर कोऑपरेट करेंगे, जबरदस्त भाई। अल्लाह ना करे एक्सीडेंट भी होता है तो हम उसको गाड़ी बना कर देते हैं, जो उस पर खर्चा आता है हम उससे पूरी तौर में उसको कहते हैं पे नहीं करो, आप अपनी किस्तों में 1,000-2,000 रुपए करके हमें पे कर देना, हम आपकी खिदमत के लिए हैं। मलक मोटर एक अदारा है जी जी, और अल्लाह ताला के फजल व करम से जी जी के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कस्टमर हमसे खुश है, और माशाल्लाह ये तो आप नजर भी आ रहा है कि जो है ना ये देखें, मैं आपको दिखाता चलूं कि इनके पास माशाल्लाह देखें मोती सर्टिफिकेट्स हैं, रोड प्रिंस हो गया, ये देखें ऑथराइज, ये क्राउन हो गया, ये देखें डीलरशिप है, एशिया हो गया, सुपर एशिया हो गया ठीक है, पाकिस्तान सुपर स्टार, न्यू एशिया, ये देख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं माशाल्लाह मलिक मोटर जी। और ये देखें इनको जो अवार्ड ही मिला है माशाल्लाह, ये एक ये देखें एक और ये अवार्ड जबरदस्त, ये इनको अवार्ड ही मिला है। तो कहने का मकसद मेरे कि ये एक जो लोडिंग रिक्शा मार्केट में एक बहुत मोतबर नाम है, इनके पास आप बिला झिझक आ सकते हैं, और इनके साथ जो आपके पास जो इस्तेहत है आप उसके साथ बात करें, इंशाल्लाह आपको कहीं मायूस नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं आपका नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। नाजी, ये थी हमारी छोटी सी काविश, मैंने कोशिश की है हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो अगर किस्तों पर लेना चाहे और न्यू रशिया लेना चाहे 2024 का मॉडल अच्छे मतलब प्राइस के अंदर, अगर कैश ही ले सकते हैं तो इंस्टॉलमेंट पे ले लें, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, इंस्टॉलमेंट 15,000 तक भी कर देंगे, तो प्लीज़ आप ज़रूर आइएगा। ये हमारी छोटी सी काविश, तो उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो तमाम दोस्तों को शेयर करते हैं अपना, बहुत करिएगा, अल्लाह हाफिज़।